नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए, कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564905096906089752386455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में और मैं स्कित त्रिपाठी आज आप सभी के साथ जो हमारी डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस की सीरीज है उसको यहाँ पर बायलिंगुअल मैनर में कंटिन्यू करूंगा, कवर करूंगा। जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि ये जो आर्टिकल्स है वो गवर्नमेंट की जितनी भी लीडिंग वेबसाइट्स हैं और जो लीडिंग न्यूज़पेपर्स हैं वहां से कलेक्ट किए जाते हैं, फिर आप लोगों को यहाँ पर उपलब्ध कराए जाते हैं, जो आप लोगों के लिए स्पेशली फॉर यूपीएससी सीएसई और उसके साथ ही जो आपके स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशन होते हैं उनके लिए प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही पर्सपेक्टिव में बहुत ही ज्यादा लाभदायी सिद्ध होगी। तो आप लोग इस सीरीज को सतत रूप से देखें और इसका महत्तम लाभ भी अर्जित करें। साथ ही दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो में 10,000 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट किया तो आप लोगों को जो इसकी पीडीएफ है फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जाएगी, उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम का चैनल जरूर ज्वाइन कर लें और साथ ही इंस्टा का पेज भी फॉलो कर लें। तो आइए देखेंगे कि इन टॉपिक्स को देखने जा रहे हैं हम लोग। तो आज जो टॉपिक्स देखने जा रहे हैं, पहला टॉपिक जो है इंटरनेशनल रिलेशन का है, भारत और इजराइल के रिलेशंस पे बात करेंगे, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पता होगा कि जैसे स्पाई वगैरह हो गया, ड्रिप इरिगेशन हो गया, है ना, हॉर्टिकल्चर हो गया, टेक्नोलॉजी हो गई, है ना, इंटेलिजेंस का जो आपका डोमेन है, तो इसमें जो है इसराइल बहुत सशक्त है तकनीकी के आयाम पर। तो कई सारी जगह जो है भारत और इसराइल के जो द्विपक्षीय संबंध है वो सुदृढ़ होते जा रहे हैं लगातार, है ना, ठीक है। तो इसको देखेंगे हम लोग। फिर दूसरा जो हमारा यहाँ पर आर्टिकल है ये सोशल इश्यूज के अंतर्गत आएगा, है ना, वुमेन्स के राइट्स के अंतर्गत आएगा। तो अबॉर्शन राइट्स है, हेल्थ का इशू है, ये जीएस पेपर टू में रख सकते हैं आप लोग इसको, अबॉर्शन राइट्स इन इंडिया, है ना। मेडिकल जो आपका टर्मिनेशन वाला जो एक्ट है जिसको एमटीपी एक्ट बोलते हैं आप, तो उसमें अभी संशोधन भी हुआ था, उसको देखेंगे हम यहाँ पर। इसके बाद इंडिया और ताइवान का रिलेशन है, इसमें वन चाइना पॉलिसी जो आप देखते होंगे कि एक में चाइना का मेनलैंड है, दूसरे में चाइना भी है उसमें, है ना, और भी जो आसपास के उसके ताइवान वाले जो क्षेत्र हैं उसको भी वो अपना क्षेत्र मानता है, अलग नहीं मानता है। तो इसमें दो, इसमें क्या है, दो स्टेक हैं, दो पक्ष हैं। तो भारत केवल चाइना को जो है रिकॉग्निशन देता है, दूसरा जो दूसरे जो क्षेत्रों को वो अपने क्षेत्र के अंतर्गत मानता है उसको इंडिया रिकॉग्नाइज नहीं करता है, है ना। तो ताइवान और इंडिया के रिलेशन को उस एंगल से देखेंगे हम लोग, जीएस पेपर टू का पार्ट है। इसके बाद मिलिट्री टेक्नोलॉजी का इंडिजनाइजेशन जो है उसकी बात करेंगे। तो बार बार मेक इन इंडिया, फिर आत्मनिर्भर भारत, ये सब चीजों के द्वारा जो है हमारे यहाँ डोमेस्टिक लेवल पर मैन्युफैक्चरिंग को क्या किया जा रहा है, प्रमोट किया जा रहा है। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट डोमेन है हमारा मिलिट्री टेक्नोलॉजी, क्योंकि पूरे विश्व की बात करें तो भारत जो है शीर्ष जो देश है जो इंपोर्ट करते हैं डिफेंस की टेक्नोलॉजी या डिफेंस के जो भी आपके इक्विपमेंट्स हैं उसमें सबसे ऊपरी स्थान पर भारत का स्थान आता है, ठीक है ना, टॉप मोस्ट जो आपकी कंट्रीज है उसमें आता है। तो अगर हम इसको स्वदेशीकरण कर लें, स्वदेशी आयाम पर भारत में ही इसको जो है विनिर्मित कर ले, तो क्या होगा, हमारी संप्रभुता जो है, इंटीग्रिटी जो है वो सुरक्षित होगी, हमारी अंतर्निर्भरता जो विदेशों पर है वो कम हो जाएगी। तो उससे क्या होगा, सामरिक स्वायत्तता प्राप्त करेंगे हम लोग, है ना। तो इसको देखेंगे हम लोग, थर्ड पेपर का पार्ट है। इसके बाद फर्स्ट मूवर्स कोएलिशन है, ग्रीन हाउस गैसेस की जो आपके एमिशन है उसको कम करने के लिए कैसे करेंगे, कौन से ऐसे 7-8 डोमेन है जिनसे सबसे ज्यादा जो है एमिशन होता है ग्लोबल ट्रेड के दौरान ग्रीन हाउस गैसेस का, तो उसको कैसे कम किया जाएगा, उससे रिलेटेड आपका ये इनिशिएटिव है, इसको देखेंगे हम लोग। एनवायरमेंट का पार्ट है और ये थर्ड पेपर में आप इसको रख सकते हैं, ठीक है ना, और ये एनजीओज वगैरह जो होता है उसके अंतर्गत भी रख सकते हैं, ठीक है। तो जो पहला टॉपिक है इंडिया इसराइल का रिलेशन, तो अभी जो है भारत और इसराइल ने अपने जो डिप्लोमेटिक रिलेशन इसके 30 इयर्स कंप्लीट कर लिए, हमारे लिए हमेशा ये इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है ना। पैलेस्टीन वगैरह मुद्दा भी आप लोग देखते होंगे, तो ये जो इसकी बैकग्राउंड है उसको देखेंगे। तो जब 1948 जब भारत आजाद हुआ तो इंडिया ने वोट किया था कि क्रिएशन जो हो रहा था इसराइल का, जो आपका इसराइल को जो बनाया जा रहा था उस समय, संगठित किया जा रहा था, तो उसकी क्रिएशन के टाइम पे इसराइल ने, इसराइल के क्रिएशन के टाइम पे भारत ने उसके अगेंस्ट में वोटिंग की थी। लेकिन 1950 में 17 सितंबर को इंडिया ने अनाउंस किया कि भैया हम इसराइल के गठन को रिकॉग्नाइज करते हैं, उसको मान्यता देते हैं। उसके बाद 1992 में, मतलब आफ्टर एलपीजी, 1990s के बाद के संदर्भ में, बाद के समय में, दोनों देशों ने फिर डिप्लोमेटिक रिलेशंस को क्या किया, एस्टैब्लिश किया, है ना, स्टार्टिंग फेज है ये।
फिर लास्ट कुछ वर्षों में आप देख रहे हैं, स्पेशली अगर बात करें 2017 की, तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने यात्रा की वहां की, इसराइल की। उसके बाद से लगातार राजनीतिक जो संबंध है और जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है हमारे इसराइल के साथ, उसमें काफी सुधार हुआ है। और भारत के किसी प्रधानमंत्री द्वारा इसराइल की इस यात्रा को ऐतिहासिक और यादगार भी माना जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पर डायमेंशन है रिलेशनशिप का, उसके बारे में बात कर रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप अपने साथ रख सकते हैं इन आंकड़ों को, कि बायलैटरल ट्रेड की बात करें तो 1992 में $200 मिलियन था, जो कि अब बढ़कर 2018-19 में 200 कितना हो गया, $5.65 बिलियन हो गया। मतलब 200 मिलियन से $5.65 बिलियन हो गया। इसमें डिफेंस को एक्सक्लूड करके रखा गया है ना, उस पार्ट को, उस सेक्टर को हटा के इसको रखा गया यहाँ पर डेटा। दूसरा कि जो ये बैलेंस ऑफ ट्रेड है, इसका फेवर जो है इंडिया की तरफ है $1.8 बिलियन। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप हमेशा देखेंगे कि ये जो ट्रेड बैलेंस है, ये डेफिसिट होता है हमारा चाइना वगैरह के साथ, ठीक है ना, तो उससे हम हमेशा लॉस में रहते हैं, ठीक है ना। अब ये जो तीसरा यहाँ पर जो पॉइंट लिखा गया है कि भारत जो है इसराइल का, इसराइल के संदर्भ में बात करें कि अगर पूरे एशिया को ले लें हम, तो भारत इसराइल का एशिया में तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, ठीक है। और विश्व स्तर पर अगर देखें तो सातवां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है ना, तो इससे इंपॉर्टेंट समझ में आ रही। इसके बाद इन्वेस्टमेंट की बात करें कि इंडिया ने कितना इन्वेस्टमेंट कर रखा है इसराइल में अप्रैल 2000 से 2017 जून तक, तो टोटल जो है $122.4 मिलियन किया है, ठीक है, इसराइल में। अब भारत में इसराइल की ओर से जो निवेश है वो मेनली कहां पर है, तो हाईटेक डोमेन और एग्रीकल्चर में 300 से ज्यादा यहां पर इन्वेस्टमेंट देखा गया है, ठीक है। इसके बाद जो है नेक्स्ट जो पॉइंट है यहां पर बोला जा रहा है कि भारत को काफी सारे फायदे होते हैं जहां पर इसराइल की एक्सपर्टीज है। मेनली अगर देखें तो टेक्नोलॉजीज के संदर्भ में बहुत ज्यादा सशक्त है आपका इसराइल, जैसे कि हॉर्टिकल्चर हो गया, मैकेनाइजेशन हो गया, मशीनीकरण जिसको बोलते हैं, उसके बाद प्रोटेक्टेड कल्टिवेशन हो गया, ठीक है, कैनोपी मैनेजमेंट हो गया, नर्सरी मैनेजमेंट हो गया, ड्रिप एरिगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ना, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट हो गया, ठीक है। और उसके बाद ड्रोन वगैरह आप देखते हैं, उसमें भी उसकी मास्टरी है, है ना। उसके बाद आपका यहाँ पर रेगुलर एक्सचेंज होता रहता है दोनों कंट्रीज के फोर्सेस के बीच में, है ना, ठीक है। इसके बाद कॉपरेशन है सिक्योरिटीज इश्यूज में, जैसे कि आप काउंटर टेररिज्म के संदर्भ में देखेंगे तो यहाँ पर एक ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप भी बनाया गया है भारत और इसराइल के द्वारा, ठीक है। इसके बाद टॉप थ्री आर्म सप्लायर्स की बात करें लास्ट 5 ईयर्स में इंडिया के लिए, तो आपका इसराइल जो है उनमें से एक है। इसराइल जो है भारत में शीर्ष तीन हथियार आपूर्तिकर्ताओं के देशों में से एक रहा है ना, टॉप थ्री जो कंट्री जहां से सप्लाई हो रही है हमको डिफेंस इक्विपमेंट की, है ना, तो उसमें से एक आपका इसराइल। भारत और इसराइल ने अभी जॉइंटली जो है आपका डेवलप भी किया है, किसको डेवलप किया है, तो जो आपका बराक 8 मिसाइल है, है ना, उसकी रक्षा प्रणाली विकसित की है। अब दूसरा जो यहाँ पर टॉपिक है आज का हमारा, अबॉर्शन राइट्स से यहाँ पर इंडिया में, उसके संदर्भ में बात करेंगे। तो एक तरीके की ये केवल फैमिली प्लानिंग नहीं है, ये कहीं ना कहीं MMR और मैटरनल हेल्थ इश्यू से रिलेटेड है, ठीक है, और ये सेक्सुअल हेल्थ से भी रिलेटेड है, वेलबींग से भी रिलेटेड है, रिप्रोडक्टिव राइट्स इश्यूज भी इससे रिलेटेड है। अबॉर्शन की बात करें तो एक तरीके का एक्सपेंशन है इसमें फोटस का, फिटस का, फ्रॉम द यूट्रस, जब तक कि वो अपने उस स्टेज में ना पहुंच जाए जहां से वो वायबल हो जाए। कुल मिला के ये जो आपका पीरियड होता है ह्यूमन बींग्स में, ये 20th वीक होता है जेस्टेशन के बाद, ठीक है ना, तो ये मेनली इसमें क्या होता है गर्भपात में, मतलब भ्रूण को जो है वहां से निष्कासित करना होता है जब तक कि वो वायबल स्टेज में पहुंचे अपने। तो यहाँ पर WHO ने बताया कि भैया अबॉर्शन एक बिल्कुल साधारण हेल्थ केयर इंटरवेंशन है, अगर इसको प्रभावी रूप से मैनेज किया जाए, प्रबंधन किया जाए इसका, है ना, किया जाता है ना, वाइडली जो है इसका यूज भी किया जाता है हेल्थ वर्कर्स के द्वारा, तो इसमें दोनों प्रोसेस अपनाई जाती है, या तो मेडिसिन के थ्रू अबॉर्शन गर्भपात किया जाता है, या तो सर्जिकल प्रोसीजर के द्वारा भी किया जाता है। अब यहाँ से कुछ डेटा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, कि WHO बताता है कि भैया जो भी अनपेक्षित जो आपके गर्भधारण होते हैं उनमें से 10 में से जो 6 होते हैं आपके गर्भपात, वो कैसे होते हैं आपके, इंड्यूस्ड होते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा ये कि जो टोटल अबॉर्शन होते हैं उसमें 45% जो अबॉर्शन है वो आपके कैसे होते हैं, अनसेफ होते हैं, ठीक है। और वो भी बोले कि ये जो अनसेफ है उनमें टोटल जो 97% ऐसे अबॉर्शन होते हैं वो विकासशील देशों में होते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज में। NFHS जो आपका सर्वे है 2019-2021 का, तो उसमें ये बोला गया कि जो भारत में कुल गर्भधारण होता है उसका 3% गर्भपात होता है, ठीक है, 3% जो होता है टोटल प्रेगनेंसीज का
वो जो है उसका रिजल्टेंट किसके रूप में देखा जाता है, अबॉर्शन के रूप में, मतलब टोटल जो अबॉर्शन 3% होता है, और उसमें से भी मोर देन अ क्वार्टर ऑफ अबॉर्शन लगभग 27% जो परफॉर्म किए जाते हैं वो वुमेन्स अपने आप स्वयं घर में कर लेती हैं। ठीक, लैंसेट इसकी रिपोर्ट, इसके डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आंसर राइटिंग के लिए। तो लैंसेट 2018 के अनुसार बताया जा रहा है कि जो 73% टोटल अबॉर्शन इंडिया में हुए हैं 2015 में, ठीक है ना, तो उसमें जो है आपके मेडिकल अबॉर्शन भी है और जो आपके दूसरे तरीके के हैं अबॉर्शन, इसके अलावा मेडिकेशन के अलावा, है ना, मेडिकेशन है वो आपका 5% अबॉर्शन ऐसे हुए हैं जो आउटसाइड हुए हेल्थ फैसिलिटीज के, ठीक है ना, मतलब जो आपकी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने वाली संस्थाएं हैं मेडिकेशन, उसके अलावा भी 5% हुए। और जो 73% गर्भपात हुए, लैंसेट बता रहा है कि 2015 में जो टोटल हमारे यहाँ गर्भपात हुए उसमें से 73% जो अबॉर्शन है वो किसके द्वारा, दवाओं के माध्यम से किए गए, मेडिकेशन के माध्यम से किए गए। इंपॉर्टेंट है ये, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो मैटरनल डेथ्स हुई है अबॉर्शन के कारण वो 10% है, बहुत बड़ा डेटा है ये, इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करके अपने पास रख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक आकलन, मतलब एक आकलित जो है एक तरीके का डेटा बताया जा रहा है, एस्टिमेटेड कि 6.8 मिलियन जो आपकी फीमेल बर्थ्स है वो कम हो जाएंगी, कब तक, 2030 तक। क्यों? क्योंकि सभी लोग सेलेक्टिव अबॉर्शन कराते हैं, आप लोगों को पता होगा ना, लिंग जांच वगैरह, हालांकि वो कानूनी रूप से जो है वो दंडनीय है, उसके लिए कानून है, लेकिन अभी भी जो है इफेक्टिवली जो है उसका इंप्लीमेंटेशन नहीं होता है, हो रहा है, क्योंकि कानून के माध्यम से ही सारी चीजों को सुधारा नहीं जा सकता, वैयक्तिक संदर्भों पर भी जो है उस पर निगरानी स्वयं के माध्यम से करना जरूरी है, वहां पर नैतिकता की भी बात आती है, ये आपका फोर्थ पेपर में भी जाएगा, ठीक है ना। तो सीधी बात है कि यहाँ पर जो हमारे यहाँ सेलेक्टिव अबॉर्शन होते हैं तो अगर उसका लगातार उपयोग होता रहा तो 2030 तक भारत में जो भी महिलाओं का अभी एक संख्या है, जो महिला जन्म जो हो रहा है उसकी जो संख्या, उसमें भी 6.8 मिलियन की कमी देखी जाएगी, है ना। तो इससे जो होगा सेक्स रेशियो क्या होगा आपका, क्या होगा उसमें नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, लड़के लड़कियों का जो आपका एक रेशियो है वो कम होगा, तो उससे बहुत सारी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ते हैं, क्राइम भी बढ़ते हैं, रेप वगैरह की भी जो घटनाएं हैं वो बढ़ती हैं। आप हरियाणा वगैरह का एग्जांपल ले सकते हैं, है ना, किस तरीके से लिंगानुपात कम हुआ और उसके कितने ज्यादा जो है नेगेटिव इंपैक्ट सोसाइटी में देखे गए। फिर बाद में सरकार ने कई सारे ऐसे आयामों को अभी अपनाया है, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो इससे हम प्रमोट कर रहे हैं उन चीजों को, है ना, कि भैया आप लिंगानुपात जो है उसको सुधारो, और वहां पर जो है अब सुधार भी देखा जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर रिस्क क्या होते हैं अनसेफ अबॉर्शन से, तो सीधी बात है, इनकम्प्लीट अबॉर्शन अगर हो गया, जो ऊतकों को गर्भावस्था के दौरान जो आपके विकसित ऊतक है अगर उनको निकालते हैं और हटाते हैं, तो अगर उनमें से कुछ वहां पर बच गया, है ना, तो वो कार्सिनोजेनिक हो सकता है ना, तो हटाने या निकालने में विफलता। दूसरी चीज ये है कि इसमें हैमरेज वगैरह की समस्या हो सकती है, भारी रक्त स्राव, वहां संक्रमण भी हो सकता है, और अगर संक्रमण हुआ, अगर वहां पर हाइजीन वगैरह की व्यवस्था जो है प्रॉपर नहीं है, तो सेप्सिस वगैरह हो जाता है उससे, ठीक है। योनि या गुदा जो है उसमें जब बहुत सारे ऐसे ऑर्गन्स को, मतलब जो इंटरनल ऑर्गन्स है उन पर भी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है, जेनिटल ट्रैक्ट और इंटरनल ऑर्गन्स में, क्योंकि वहां पर डेंजरस ऑब्जेक्ट्स को भी वेजाइना या एनस में जो है इंसर्ट किया जाता है ना, तो उसके भी जो है आपके नेगेटिव इंपैक्ट्स पड़ते हैं। भारत में गर्भपात को नियंत्रित करने वाले कानून तो 1971 का एमडीपी एक्ट है, उसके बाद ये एक्ट को अभी अमेंडमेंट भी किया गया, इसमें मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट 2021। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन देख लेते हैं, तो 1971 की बात करें अगर एक्ट की, एमटीपी एक्ट की, तो उसमें केवल जो शादीशुदा महिलाएं थी, मैरिड वुमेन, उनको ही कवर किया गया था, लेकिन अब जब अमेंडमेंट किया गया तो इसमें सभी महिलाओं को क्या किया गया है, उसमें कवर किया गया है, चाहे वो मैरिड हो चाहे अनमैरिड वुमेन हो। तो एक तरीके से यहां पर महिलाओं के अधिकारों का सशक्तिकरण किया गया है, ठीक है। इसके बाद जो जेस्टेशन, जो आपका जेस्टेशनल लिमिट थी, है ना, टर्मिनेशन के लिए प्रेगनेंसी के, तो उसको 24 वीक्स कर दिया गया है, ठीक है ना, इंक्रीज कर दिया गया, 24 सप्ताह तक कर दिया गया, और 24 सप्ताह से अधिक भी अगर भ्रूण संबंधी अगर कोई असामान्यताएं हैं तो उसमें जो है वो उसमें भी कुछ कुछ प्रावधान किए गए, ठीक है ना, बियॉन्ड 24 वीक्स भी जो है वहां पर बात किए गए, जो कि 1971 में ये प्रावधान 20 वीक्स था, तो कुल मिला के 20 वीक्स की जो आपका टेन्योर था, जो आपका समयावधि थी 20 वीक्स ही, है ना, जो पीरियड था उसको बढ़ाकर 24 वीक्स कर दिया गया है। और अगर मान लीजिए रेप हुआ या कुछ और भी असाधारण परिस्थिति, तो उसके लिए भी कुछ जांच वगैरह करके कुछ समय निर्धारण किया गया है, ठीक है। इसके बाद मतलब कुल मिला के जो है यहाँ पर क्या किया गया है, व्यापकता प्रदान की गई है उस एक्ट को, ठीक है। अब 2021 में जो आपका मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट है, 2021 का अमेंडमेंट जो हुआ है, उसके महत्व क्या है, तो सीधी बात है इसमें एंश्योर किया गया है, इसमें व्यापकता प्रदान की गई है वुमेन्स को, है ना, ताकि वो सेफ और लीगल अबॉर्शन सर्विसेज को एक्सेस कर पाए, है ना, थेरापेटिक भी
यूजेनिक भी, ह्यूमैनिटेरियन भी और सोशल ग्राउंड्स पर। तो इन सभी आधार पर जो है उनके अधिकारों को सुनिश्चित किया गया है, है ना, इस पर इन अधिकारों को व्यापकता प्रदान की गई है। इसके अलावा जो गर्भकालीन आयु है इसमें जेस्टेशनल एज को बढ़ाया गया, उससे जो वुमेन्स की डिग्निटी है, ऑटोनॉमी है ना, कॉन्फिडेंशियलिटी है, जस्टिस है जो वुमेन का, उसको भी हमने क्या किया है, एंश्योर किया। इसके अलावा लीगल प्रोटेक्शन दिया है उनको, है ना, ठीक है। और इसमें जो इंड्यूस्ड मिसकैरेज है ना, उसके लिए दंड का भी प्रावधान किया गया है। मतलब ये चिकित्सकों को भी कानूनी सुरक्षा प्रदान करेगा कि जैसे आईपीसी के अंतर्गत जो आपका इंड्यूज अबॉर्शन है तो उसके तहत जो है दंडित वगैरह किया जाता था, तो उसके लिए वो लीगल वहां पर उनको भी प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, जो भी मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं। इसके बाद जो एसडीजी गोल है हमारा 3 नंबर का, जिसमें एमएमआर को कम करना है, तो उस एम को भी प्राप्त करने में, उस लक्ष्य को भी प्राप्त करने में ये आपका अपना कॉन्ट्रीब्यूशन वहां पर क्या करेगा, सुनिश्चित करेगा, एंश्योर करेगा। चुनौतियां क्या है, तो सीधी बात है इसमें सिर्फ प्रेग्नेंट वुमेन्स का उल्लेख किया गया है, तो इसका मतलब ये जो ट्रांसजेंडर्स होती हैं, है ना, क्योंकि उनको अपनी आइडेंटिटी डिसाइड करने का खुद राइट दिया गया है, तो जो ट्रांसजेंडर्स उनको कवर नहीं किया गया है, ठीक है। इसके बाद जो पॉक्सो एक्ट है ना, चाइल्ड सेक्सुअल जो ऑफेंस है आपका पॉक्सो एक्ट है जो, तो उसमें ये बताया गया है कि उसमें मैंडेटरी बनाया गया है, मतलब ये वहां पर क्या किया गया, अनिवार्य किया गया कि अगर आपके खिलाफ कोई भी यौन उत्पीड़न वगैरह हो तो आपको रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये राइट टू प्राइवेसी को जो है वो क्या कर रही है, ब्रीच कर रही है, ठीक है। तो जो किशोरियां वगैरह है, किशोर जो है, उनको उनकी जो पहुंच है सुरक्षित गर्भपात सेवाओं तक, तो उसमें कहीं ना कहीं ये हर्डल्स क्रिएट करेगा, बाधा उत्पन्न करेगा। इसके बाद जो आपका यहाँ पर परसिस्टेंट कंटिन्यूएंस देखा जा रहा है, जो इलीगल प्रैक्टिसेस हैं सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए, वही जो आपकी रूढ़िवादिता है उसी को बता रहे हैं, तो उसके कारण भी कई लोग जो है अनसेफ अबॉर्शन प्रैक्टिसेस करते हैं, और कन्याओं की जो भ्रूण हत्याएं वो भी देखी जाती है। तीसरा जो यहाँ पर टॉपिक है हमारा इंडिया ताइवान रिलेशन, तो सीधी बात है कि इसमें जो है अमेरिका ताइवान संबंधों की प्रकृति और भारत के लिए निहितार्थों को समझना है, इसमें तीनों एंगल से देख रहे हैं हम यहाँ पर इसको। तो भारत ताइवान संबंध की बात करें तो वही 1990s के दशक से भारत और ताइवान के बीच जो है स्टार्ट होता है डिप्लोमेटिक रिलेशन, ठीक है ना। लेकिन भारत रिकॉग्नाइज करता है केवल किसको, जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है, मेनलैंड चाइना को। हम रिपब्लिक ऑफ चाइना का जो क्लेम है कि भैया हमारी जो गवर्नमेंट है वो लेजिटिमेट है, कहां कहां, मेनलैंड चाइना के अलावा हांगकांग में भी, मकाओ में, हम उसके इस जो कंसेप्ट को प्रमोट नहीं करते, उसको सपोर्ट नहीं करते, हम केवल मेनलैंड चाइना को सपोर्ट करते हैं, इसी से जो है चाइना चिढ़ता है। दूसरी चीज ये कि जो ताइवान का व्यू है वो ये है कि भारत की जो भू राजनीतिक अवस्थिति है, अगर वो भारत उसको सशक्त, भारत को सशक्त हुआ होता हुआ वो देखता है, तो फिर वही बैलेंस ऑफ पावर की बात आएगी कि भैया ये चाइना को काउंटर करने के लिए भारत की स्थिति को सुदृढ़ होते देखता है, तो उसको चीन को प्रतिसंतुलित करने के आयाम के रूप में उसको देखता है, नॉर्मल सी चीज है। इसके बाद जो लुक ईस्ट पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी, उसके अंतर्गत हम ताइवान को जो है वो प्रायोरिटी पे रखते भी हैं, और हमारा जो है सघन संबंध भी स्थापित हो रहा है ताइवान के साथ, ट्रेड इन्वेस्टमेंट और कल्चरल टाइज भी हमारी जो है सशक्त हो रही है। इसके अलावा इंडिया ताइपेई एसोसिएशन एस्टैब्लिश किया गया था ताइपेई में 1995 में, जो प्रमोट करता है नन गवर्नमेंटल इंटरेक्शन किसके बीच, इंडिया और ताइवान के बीच। 2002 में दोनों देशों के द्वारा साइन किया गया बाइलेटरल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट। 2019 में ट्रेड वॉल्यूम की बात करें भारत ताइवान के बीच, तो $7 बिलियन था, जो 20% एनुअली ग्रोथ कर रहा है, सालाना 20% की दर से बढ़ रही थी। इसके बाद भारत को ताइवान के जो प्रमुख निर्यात में मेजर जो आपके ताइवान को एक्सपोर्ट किया जाता है, ताइवान का जो एक्सपोर्ट है इंडिया में, उसमें इंटीग्रेटेड सर्किट है, मशीन है और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स है, ठीक है, ठीक है। मतलब मेजर जो आपके ताइवानीज एक्सपोर्ट है टू इंडिया, उसमें क्या क्या आएंगे, तो ये याद रखिएगा आप, इंटीग्रेटेड सर्किट है, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स है, है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट है कि इंडिया ने और भी चीजों पर अट्रैक्ट किया है, जैसे जो आपके ताइवान के इन्वेस्टमेंट है, तो किस किस डोमेन में किया है, तो मेनली टेक्नोलॉजी और लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज में। भारत में लगभग 80 से ज्यादा ताइवान की जो कंपनीज और एंटिटी है वो अभी वर्तमान में कार्यरत है, ठीक है। इसके बाद जो स्टांस में चेंज आया है भारत का, है ना, टूवर्ड्स ताइवान, तो क्या आया है, तो 2020 मई में भारतीय संसद के 2 सदस्य जो है उन्होंने वर्चुअली अटेंड किया, किसको, जब उनके नए प्रेसिडेंट जो टिसाई थे वो शपथ ग्रहण कर रहे थे, तो उस शपथ ग्रहण समारोह को अटेंड किया उन्होंने। तो ये हमारी प्रायोरिटी को जो है बताता है, किसी देश की महत्ता को हमारे लिए प्रदर्शित करता है ना। और भारत ने वहां पर ताइवान की डेमोक्रेसी को भी प्रेस किया, ठीक है ना। तो एक तरीके से कई सारे विशेषज्ञ जो है इसको वार्निंग मैसेज की तरह देख रहे हैं चाइना के लिए, और ये सिग्नल दे रहे हैं कि भैया जो रिलेशन है भारत और जो तिसाई एडमिनिस्ट्रेशन है उनके बीच में जो
संबंध है वो सशक्त होते जा रहे हैं। तो जरूरी भी है, ये बैलेंस ऑफ पावर का गेम है, ठीक है। इसके बाद जो जुलाई 2020 की बात करें अगर हम लोग, तो भारतीय सरकार ने अपॉइंट किया है टॉप डिप्लोमेट को, ठीक है ना, जो फॉर्मर हेड थे यूएस डिवीजन के, इंडियाज मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो ये भी आपके जो है इनको अपॉइंट किया गया ताइवान में, तो ये भी दिखाता है कि हम ताइवान को अब प्रायोरिटी में रख रहे हैं और वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसके बाद प्रिंट मीडिया जो है, भारतीय प्रिंट मीडिया का एक एड भी था, उसमें ताइवान के जो राष्ट्रपति हैं त्साई इंग्वेन, उनकी एक तस्वीर थी जिसमें ताइवान और भारत को एक दूसरे का नेचुरल पार्टनर माना गया है, उसका उस तरीके का नारा भी दिया गया है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, तो इंडिजनाइजेशन से रिलेटेड है मिलिट्री टेक्नोलॉजी। कई बार इस टॉपिक को कवर किया हम लोगों ने, याद रखिए कभी भी परेशान होने की आवश्यकता करंट अफेयर्स में नहीं होती है, अगर लगातार आप उसको फॉलो कर रहे हैं तो कंटिन्यूएशन होता है, रोज घटनाएं नहीं बदल जाती है, कुछ तथ्य बदल जाते हैं, विश्लेषण हमेशा सेम होता है। आप उठा के देख लीजिए आईआर में, किसी भी चीज में, एग्रीकल्चर में ऑलमोस्ट समस्याएं वही है, कुछ नए पॉइंट्स को हम ऐड करते हैं, दैट्स इट, है ना। तो कभी अगर ऊपर नीचे टाइमिंग हो जाए, कभी गैप हो जाए, तो आप टेंशन मत लीजिएगा, हम लोग उन टॉपिक्स को कभी मिस नहीं करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बस आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए, क्योंकि अगर आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को लाइक शेयर नहीं करेंगे तो हमारे लिए क्या मोटिवेशन होगा। यहां पर एम्पैथी की बात है कि आप लोग हमारी तरफ, मतलब जो आपकी अपनी सोच है वो हमारे बिहाफ पे रख के सोचिए, एम्पैथी के लेवल पे जाके, कि अगर कोई भी प्रॉब्लम है हमारी टीम आपके लिए परमानेंट लगी रहती है, है ना। तो उसके लिए कुछ मोटिवेशन ये तो होना चाहिए कि कमेंट करते हैं आप, बताते हैं वहां पर, एक्टिवली वहां पर जो है इन्वॉल्व रहते हैं, तो यही बस तो हम लोगों को चाहिए, और वो आप बनाए रखिए, तभी तो हम चल पाएंगे। हमारा कॉन्फिडेंस सिर्फ आप है, ठीक है, और आप ही मोटिवेशन में भी है ना, आप ही मोटिवेशन भी है हमारा, ठीक है। तो आइए, जो ये टॉपिक है क्या है, तो सीधी बात है कि डिफेंस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत जो स्वदेशीकरण की बात किया जा रहा है, ये अत्यावश्यक है। क्यों अत्यावश्यक है, नीड क्या है इसकी, तो सबसे पहली चीज भारत की या अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखना, इंटीग्रिटी और सोवरेंटी। बताइएगा जरा कि सोवरेंटी क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार मैंने ब्रीफ भी किया है इसको, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दूसरा ये कि भारत जो है पूरे विश्व में सेकंड लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर है, इसका मतलब क्या कि जो आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उस पर भी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है हमारा इसके कारण। इसके बाद जब हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, अगर हमारा इंपोर्ट बिल ज्यादा हो गया तो उससे ट्रेड डेफिसिट होगा। अगर हम स्वदेशी रूप से इस सेक्टर को डेवलप कर लें तो हमारी जो निर्भरता है विदेशों पर वो कम हो जाएगी। तो हमारी जो संबंध है या कोई प्रेशर अगर है, जैसे कि अभी आप रशिया यूक्रेन के वॉर में देख लीजिए कि सीधा सीधा यूएस बोलने लगा कि रशिया से आप ये क्यों इंपोर्ट कर रहे हो, अरे क्यों नहीं करेंगे भाई, हम क्यों नहीं करेंगे, वो हमारे राष्ट्रीय हित के अनुरूप है तो वो काम तो हम करेंगे, ठीक है। तो इससे जो पॉलिसीज हैं उन पर भी नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, फॉरेन रिलेशंस पर नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम अपने ऊपर जब आत्मनिर्भर हो जाएंगे तो कोई हमारा गलत फायदा नहीं उठा पाएगा। और जो हमारा व्यापार घटा है, जब हम आयात कर रहे हैं इतना ज्यादा, जब हम अपने यहाँ इसको मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो हम निर्यात कर पाएंगे, तो जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है उसको हम ट्रेड सरप्लस में कन्वर्ट कर लेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट है कि जब डोमेस्टिकली इन चीजों को हम विकसित करेंगे तो जो लंबे समय तक हमको किसी देश पर निर्भर रहना पड़ता है चीजों की सर्विसिंग के लिए, कल पुर्जों के लिए, उनके रखरखाव के लिए, तो उससे भी हम मुक्त हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद ये आपका एक ऐसा औद्योगिक क्षेत्रक है जिस पर कई सारे और भी सब्सिडायरी जो इंडस्ट्रीज हैं वो डिपेंडेंट है, तो इसको विकसित करने से अन्य उद्योग भी वहां पर विकसित हो पाएंगे और इससे ना केवल प्राथमिक स्तर पर बल्कि माध्यमिक और तृतीयक स्तर पर भी व्यापक स्तर पर लोगों को रोजगार भी मिलेगा। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड से भी जाकर कहीं ना कहीं जुड़ेगा, लोगों का कल्याण होगा, इससे लोगों की प्रति व्यक्ति आय में इजाफा होगा, ठीक है ना। तो ये अल्टीमेटली पूरे के पूरे अर्थव्यवस्था के लिए भी फायदेमंद होगा। इसके बाद इसका आपका मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है, ठीक है। तो ये कई सारी जो सब्सिडायरी इंडस्ट्रीज हैं उनके भी जनरेशन में, उनके भी जो है उसको भी वायबल बनाने में ये अपनी भूमिका का निर्वहन करेगा, और ये बहुत क्रूशियल है भारत के स्ट्रैटेजिक डोमेन में, स्ट्रैटेजिक इंडिपेंडेंस के लिए, ताकि इसका गलत फायदा कोई ना उठा पाए। जैसे कि अभी रशिया और यूक्रेन के मैटर में जो है यूएस वहां पर बोल रहा था कि भारत क्यों जो है रशिया के साथ कोई डील कर रहा है, ना करे, क्यों ना करे भाई हम, है ना। तो उस तरीके का कोई भी जो डोमेन होगा वो भी हमको प्रभावित नहीं कर पाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर कि चैलेंजेस क्या है इसके लिए, इंडिजनाइजेशन के लिए, तो पहली बात तो इन्वेस्टमेंट, दूसरी चीज टेक्नोलॉजी, तीसरी चीज इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर जो हमारे यहाँ करिकुलम है, जैसे IITs वगैरह में कोई इसके लिए स्पेसिफिक अलग सा जो है डोमेन नहीं है, तो उसको भी प्रमोट करने की जरूरत है हमको, है ना। डिजाइनिंग वगैरह में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, डिजाइनिंग में, मैन्युफैक्चरिंग में, एक्विजिशन में, कारण यह है कि जो DRDO डिजाइन करता है
यूजर्स कौन से हैं, आर्म फोर्स है, पीएसयूज वहां पर मैन्युफैक्चर, तीनों के बीच में अगर प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं, कोलैबोरेशन नहीं है तो भैया डीआरडीओ ने दो चार पांच साल दस साल अलग ले लिया, ठीक है ना, पहले तो आर्म फोर्स ने ले लिया कि हमको ये आवश्यकता है, उसके बाद डीआरडीओ ने ले लिया, उसके बाद पीएसयूज ने, तो बहुत लंबा समय लग जाता है, ये भी एक आपका क्या है चैलेंजेस है। इसके बाद अभी तक जो लिबरलाइजेशन की प्रोसेस है तो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बहुत कम है, तो मेजर प्लेयर्स अभी भी वहां पर पीएसयूज है, इसलिए काफी सारा वहां पर प्रोडक्टिविटी पर भी जो है इम्पैक्ट पड़ता है और टाइमिंग का भी इशू है। इसके बाद क्रिटिकल टेक्नोलॉजी का अभाव है हमारे यहाँ, क्यों, क्योंकि फंड का अभाव है हमारे यहाँ, फिर उसी के अनुरूप हमारे यहाँ जो भी आवश्यक स्किल्स है उसकी भी कमी है, और उसके कारण हमारे यहाँ जो क्या आवश्यक जो आपके ह्यूमन रिसोर्स है उनकी भी कमी है, तो ये सब आपकी चुनौतियां हैं। आईआईटीज में कोई स्पेसिफिक आपका स्ट्रीम नहीं इससे रिलेटेड, ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा डिले हो जाता है, अब हमारी आवश्यकता हो जाती है आर्म फोर्सेस की कि भैया हमको ये इक्विपमेंट चाहिए, तो फिर हमको फॉरेन से लेना पड़ता है वो डिफेंस के इक्विपमेंट्स। वे फॉरवर्ड क्या है, तो सीधी बात है कि जो रक्षा मंत्रालय ने रक्षा उत्पादन और निर्यात संवर्धन नीति 2020 का मसौदा तैयार किया गया है, उसमें कई सारे लक्ष्य और उद्देश्य हैं जिनको अब मूर्त रूप में प्राप्त करने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले अचीव करना टर्नओवर हमको 1,75,000 करोड़ का, उसमें इंक्लूड है आपका एक्सपोर्ट भी 35,000 करोड़ का एरोस्पेस में, और डिफेंस गुड्स एंड सर्विसेज का भी उसमें इंक्लूडेड है, यही 35,000 करोड़ जो है दोनों सेक्टर में 2025 तक के लिए। इसके बाद डायनेमिक रोबस्ट और कॉम्पिटेटिव डिफेंस इंडस्ट्री को वहां पर हमको डेवलप करना है, उसके अंतर्गत तीनों डोमेन है, एरोस्पेस भी है, नेवल इंडस्ट्री है आपका, ठीक है ना, जहां पर शिप बिल्डिंग की बात करेंगे, और आर्म फोर्सेस भी है जहां पर क्वालिटेटिव प्रोडक्ट्स को हमको बनाना है, बड़ा है ना, वहां पर विनिर्मित करना है। इसके बाद जो डिपेंडेंस है हमारा इंपोर्ट है ना, मतलब जो हमारा आयात पर निर्भरता है दूसरे देशों पर, उसको कम करना है, किसके द्वारा, आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव्स के द्वारा डोमेस्टिकली उनको डिजाइन और डेवलपमेंट करना है उनका। रक्षा उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना है ताकि ट्रेड डेफिसिट को ट्रेड सरप्लस में हम क्या कर सके, वहां पर कन्वर्ट कर सके, और जो ग्लोबल डिफेंस का वैल्यू चेन है उसका हमको पार्ट बनना है, ठीक है, और एक ऐसा पूरा का पूरा एनवायरमेंट बनाना है ताकि R&D को हम वहां पर प्रमोट कर सके, है ना, जो इनोवेशन है उनको रिवॉर्ड कर सके, उनको इंसेंटिव दे सके, IPR वगैरह को प्रमोट करें, ठीक है ना, तो ताकि जो है हम सेल्फ रिलायंट बन सके डिफेंस सेक्टर में। इसके बाद जो नेक्स्ट आर्टिकल है यहाँ पर, फर्स्ट मूवर्स कोएलिशन, बिल्कुल सिंपल सा है, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और जो उनके लीडर्स हैं उन्होंने, वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट बिजनेसेस हैं उन्होंने अनाउंस किया है कि भैया हम फर्स्ट मूवर्स कोएलिशन के द्वारा जो है यहाँ पर ग्रीन टेक्नोलॉजीज पे काम करेंगे, ठीक है, ये तो आपका रेफरेंस हो गया। अब फर्स्ट मूवर्स जो कोएलिशन है क्या, तो ये एक तरीके का ग्लोबल इनिशिएटिव है जो आपका इनोवेटिव कार्बन रिमूवल टेक्नोलॉजीज पे काम करेगा, और ठीक है उस पर काम करेगा, नॉर्मल सी चीज है, ठीक है ना, डीकार्बोनाइजेशन में काम करेगा औद्योगिक क्षेत्र में, जो 7 इंपॉर्टेंट आपके सेक्टर है जो लगभग 30% ग्लोबल एमिशन के लिए जिम्मेदार है। तो की पॉइंट्स क्या है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो आपका एनुअल मीटिंग दावोस में हुआ उसमें 2022 में, तो उसमें इंडिया ने भी ज्वाइन किया है फर्स्ट मूवर्स कोएलिशन को, एक तरीके का ग्लोबल इनिशिएटिव है, याद रखिएगा, ये डीकार्बोनाइजेशन करेगा किसका, हैवी इंडस्ट्रीज का, और लॉन्ग डिस्टेंस जो आपके ट्रांसपोर्ट सेक्टर जो होते हैं ये दोनों जो है आपके रिस्पॉन्सिबल है 30% ग्लोबल एमिशन को, तो इसमें जो है इसको वो जो है ग्रीन टेक्नोलॉजी से सब्स्टिट्यूट करेगा, उसको चेंज करेगा, ग्रीन हाउस एमिशन को कम करेगा, इसलिए इस कोएलिशन को बनाया गया। भारत के अलावा देखें हम तो स्वीडन है, जापान है, डेनमार्क है आपका, UK है आपका, और अन्य देश भी इसमें शामिल है। पहली बार इसको लॉन्च किया गया US के द्वारा, है ना, वर्ल्ड और इकोनॉमिक जो आपका फोरम है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कोलिशन जो है कार्यरत है 8 प्रमुख सेक्टर्स में, 7 सेक्टर्स जो इसमें से है, स्टील है, सीमेंट है, एल्यूमिनियम है, केमिकल है, शिपिंग है, एविएशन है, ट्रकिंग है, जो लगभग अकाउंट करता है पूरे ग्लोबल कार्बन एमिशन में कितना, मोर देन अ थर्ड ऑफ ग्लोबल कार्बन एमिशन, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। तो इसके लिए कॉस्ट कॉम्पिटिटिव क्लीन एनर्जी का कोई अल्टरनेटिव नहीं है अभी फॉसिल फ्यूल्स के लिए, है ना, अभी तक इनके लिए कोई विकल्प नहीं, तो यहाँ पर ये कार्य करेंगे। इसके बाद जो आठवा डायरेक्ट जो आपका आठवा डोमेन है, 8 सेक्टर्स की बात की है तो 7 ये हो गई, आठवा जो है डायरेक्ट एयर कैप्चर है जो आपका रिड्यूस करेगा एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड लेवल को ताकि हम नेट जीरो ग्लोबल एमिशन को प्राप्त कर सके, ठीक है ना, तो उसके लिए जो है कमर्शियल वायबिलिटी चाहिए टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के लिए, तो वहां पर जो है उसके लिए काम करेगा ताकि जो वायुमंडली कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर है उसको कम किया जा सके। इस गठबंधन के अंतर्गत 2 नए टारगेट्स को भी वहां पर रखा गया है जो आपका COP26 में लॉन्च किए गए 4 मौजूदा जो आपके वहां पर कमिटमेंट्स है, है ना, उनके अंतर्गत उसको भी शामिल किया गया है, ठीक है ना। तो जैसे COP26 में क्या विमानन, शिपिंग, स्टील और ट्रकिंग, तो इसी तरीके से इसमें 2 नए लक्ष्यों को भी वहां पर उनकी भी घोषणा की गई है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का जो है वहां पर
क्या करना है, निवारण करना है, रिमूवल करना, और एल्यूमिनियम भी, ठीक है ना। वो ऑलरेडी आपका उसका एग्जिस्टेंस देखा जा रहा है किसमें, जो कोप 26 में हमने सेक्टोरल जो वहां पर टारगेट्स डिसाइड किए, टारगेट किया एविएशन में, शिपिंग में, स्टील में, ट्रकिंग में, तो उसमें से भी दो यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल और एल्यूमिनियम को यहां पर टारगेट किया जाएगा। इसके बाद फेज वन का कमिटमेंट क्या है, तो एविएशन के लिए सीधी बात है 2030 तक जो हवाई यात्रा के लिए, जो हवाई यात्रा के संदर्भ में जो भी उत्सर्जन होता है उसमें जो है सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल को हम वहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है ना, और वहां पर जो है वहां पर जो भी एमिशन है उसमें रिडक्शन लाएंगे, है ना, रिडक्शन करेंगे उसमें, ठीक है। इसमें जो है ये भी बोला जा रहा है कि जो पारंपरिक जेट ईंधन था उसकी कम से कम 5% को उसमें से सतत विमानन ईंधन से वहां पर उसको क्या किया जाएगा उससे प्रतिस्थापित किया जाएगा, जो क्या करेगा कि जो आपके ट्रेडिशनल जेट जो फ्यूल्स होता था जेट का, उसके कंपैरिजन में जो ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन होगा अब तो 85% या उससे अधिक भी उसमें कमी किया जा सकता है। शिपिंग की बात करें तो उसमें भी इसी तरीके से है कि जीरो एमिशन फ्यूल जो है उसको लागू किया जाएगा, कब तक, 2030 तक, है ना, जीरो एमिशन लेवल को प्राप्त किया जाएगा। करियर्स के लिए भी सेट किया गया टारगेट कि एटलीस्ट 5% जो डीप सी शिपिंग है उसको भी जीरो एमिशन के द्वारा सब्स्टिट्यूट किया जाएगा 2030 तक। और कार्गो ओनर्स ने भी सेट किया है टारगेट कि लगभग एटलीस्ट 10% जो वॉल्यूम है उनके गुड्स का, जो शिपिंग वगैरह किया जाता है उसका इंटरनेशनली, तो वहां पर भी जीरो एमिशन फ्यूल को जो है अपनाया जाएगा 2030 तक, ठीक है ना, और 2040 तक फिर 100% उसको ग्रीन कर दिया जाएगा, जीरो एमिशन को एंश्योर कर दिया जाएगा। ट्रकिंग की बात करें तो उसमें भी 2030 तक शून्य उत्सर्जन वाले जो आपके मध्यम और विशाल वाहन हैं उनको वहां पर सब्स्टिट्यूट करने की बात कर रहे हैं, है ना। इसमें बैटरी की बात हो गई, इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात हो गई, ईंधन सेल की बात हो सकी हो रही है यहाँ पर, है ना, फ्यूल सेल वगैरह की बात हो रही है यहाँ पर, तो इन सबको यूज किया जाएगा ताकि, और हाइड्रोजन के भी जो आपके हाइड्रोजन के द्वारा भी जो आपका रिन्यूएबल और जो ग्रीन फ्यूल के जो आपके सोर्सेज हैं उनको भी शामिल किया जा सकता है। स्टील की बात करें तो जो भी आपके मेंबर स्टेट्स हैं, मेंबर जो कंट्रीज हैं, उन्होंने 2030 तक बोला है कि भैया लगभग शून्य उत्सर्जन इस्पात की मात्रा खरीदने को वो सुनिश्चित करेंगे, उसके लिए भी अपनी प्रतिबद्धता उन्होंने वहां पर सुनिश्चित करने की बात की है, ठीक है ना। तो ये जो है ये सब डोमेन है, आप लोग देख जाइएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट बताया जा रहा है कि जीरो ट्रांसफॉर्मेशन जो है, नेट जीरो एमिशन की जो बात कर रहे हैं इंडस्ट्रियल वैल्यू चेन्स में, उसको एंश्योर किया जाए। इसमें सभी देशों के बीच में जो है वो कोऑर्डिनेशन की जरूरत है ना, और एनवायरमेंट के संदर्भ में कि भैया ये हमारे देश के लिए नहीं पूरे विश्व में वैश्विक कल्याण का डोमेन ये जो है सबसे ज्यादा प्रायोरिटी में रखने के लिए है, क्योंकि उसके कई सारे नेगेटिव इंपैक्ट देखे जा रहे हैं। प्रकृति का प्रकोप देखा जा रहा है, कहीं अतिवृष्टि, कहीं अनावृष्टि, कहीं पर नेचुरल कैलामिटीज, कई तरीके की जैसे चक्रवात आ रहे हैं, भूकंप आ रहे हैं, टॉर्नेडोज वगैरह आप लोग देख रहे हैं, कहीं पर सूखा पड़ रहा है, ये जो आपका कोविड वगैरह है, नए नए वायरसेस का अटैक, तो ये क्या है, ये प्रकृति का ही प्रकोप है। तो उससे बचने के लिए हमको जो है हर देश को जो है आगे आना चाहिए और वहां पर अपनी वैयक्तिक जिम्मेदारियों को वहां पर निर्धारित करके उनको ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के साथ उनको परफॉर्म करने की आवश्यकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट फेज है हमारा वो एमसीक्यू से रिलेटेड है। तो सबसे पहला एमसीक्यू आज का इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें बताना है कौन सा ट्रू है आपका स्टेटमेंट। तो पहला ये कि ये आपका इंटरनेशनल लिटरेरी अवार्ड है जो होस्ट करता है यूके, बिल्कुल ठीक है। फॉर्मरली पहले इसको किस नाम से जाना जाता था, तो मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज के रूप में जाना जाता था। दूसरा स्टेटमेंट भी ट्रू है। तीसरा ये कि जो इंडियन राइटर है पहली बार गीतांजलि श्री जो है उनको यहाँ पर नॉमिनेट किया गया, और इस बार जो इंडियन राइटर आपकी गीतांजलि श्री है और अमेरिकन ट्रांसलेटर जो डेजी रॉकवेल है उन्होंने जीता है इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2022 के लिए। किसके लिए जीता है, टॉम बॉब सैंड के लिए, बिल्कुल ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट। तीसरा ये कि ओरिजिनली जो रिटर्न है आपकी हिंदी में कोई आपकी ये जो नॉवल है टॉम ऑफ सैंड जो लिखा हुआ है टॉम बॉब सैंड, तो इसका हिंदी में जो ओरिजिनली लिखा गया था रेत समाधि, ठीक है ना। तो ये पहली ऐसी बुक है जिसको किसी इंडियन लैंग्वेज में लिखा गया और जिसने जीता है इंटरनेशनल बुकर प्राइज, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये आपका, आप इसको नोट डाउन करके रख सकते हैं। और श्री जो है आपकी ऐसी पहली भारतीय महिला है जिन्होंने भारत को गौरवान्वित किया है, जो नॉमिनेट हुई थी हिंदी नॉवलिस्ट के रूप में, जिन्होंने इसको अचीव किया है इस तरीके के गौरव को, इस तरीके की ये आपकी पहली महिला है, बिल्कुल ठीक है, पहली हिंदी उपन्यासकार है ये आपकी। तो पांचों के पांचों स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है और सही पूछा गया था, इसलिए इसका आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2021 जो है इसके बारे में स्टेटमेंट दिए गए, बताना कौन सा आपका इनकरेक्ट है। तो पहला ये कि इंडिया की जो रैंकिंग है 54th है इस इंडेक्स में,
और इंडिया अभी भी है टॉप रैंक में है साउथ एशिया में, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद इंडिया की रैंक 46 थी 2019 में, ये भी बिल्कुल ठीक है स्टेटमेंट। तीसरा ये कि जापान ने टॉप किया इस इंडेक्स में, उसके बाद यूएस, स्पेन, फ्रांस और जर्मनी है। बायएनियल इंडेक्स है, दो साल में एक बार भी वार्षिक रूप से इसको पब्लिश किया जाता है। कौन करता है पब्लिश? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम करता है। इस बार की जो थीम थी वो रीबिल्डिंग फॉर अ सस्टेनेबल एंड रिजिलियंट फ्यूचर था, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। लास्ट स्टेटमेंट है कि इसमें 117 इकोनॉमीज को जो है असेस किया गया, ठीक है। उसमें यात्रा और पर्यटन अर्थव्यवस्थाओं के जो सतत और लचीला विकास को सक्षम करने वाले कारक हैं उनको ये आइडेंटिफाई करके जो है आपको ये इंडेक्स रेडी किया गया था। बिल्कुल ठीक है आपका लास्ट स्टेटमेंट भी। और पूछा जा रहा कि गलत कौन सा है, तो कोई भी गलत नहीं, इसमें नन ऑफ द अबव हो जाएगा। इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं पर विराम देंगे, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक लगातार जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।